हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा ग्रुप पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो दो प्रकार से हमने उसको क्लासिफाई किया था। पहला प्रकार था परमाणुओं के उपस्थिति के आधार पर। परमाणुओं के उपस्थिति के आधार पर हमने चार प्रकार की एकक कोशिकाओं को पढ़ा था। पहला क्या था? पहला था हमारा आद्य या सरल एकक कोशिका, जिसे सिंपल या प्रिमिटिव कहते हैं। दूसरा है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा था फलक केंद्रित एकक कोशिका, एफसीसी। और लास्ट था अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन की। तो दूसरा प्रकार से कैसे करते हैं? तो पैरामीटर के हिसाब से करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, मानक क्या होते हैं, जरा समझते हैं। तो एकक एकक कोष्टिका के मानक, एकक कोष्टिका के मानक सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर, एकक कोष्टिका के मानक सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर क्या होते हैं? देखिए, कोई कोष्ठिका होता है तो वह तीनों विमाओं पे कुछ क्षेत्रफल या कुछ लंबाई अंतरित करेगा, कुछ कोण अंतरित करेगा। इन्हीं के मान को एक मानक बनाया गया, जिन्हें सेल पैरामीटर कहा जाता है। तो देखिए, जैसे एक ये एकक कोष्ठिका हो गया, ठीक, यह एकक कोष्ठिका हो गया हमारा। अभी से एकक कोष्ठिका की तीन अक्ष पर कुछ लंबाइयां अंतरित की गई। जैसे मान लीजिए यह हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस और यह हो गया हमारा जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो एक्स पर जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी या तय की गई लंबाई होगी इस क्रिस्टल के द्वारा, उसको हमने मान लिया क्या, बी मान लिया। जेड पर हमने मान लिया ए और वाई पर हमने मान लिया सी। वाई पर हमने क्या माना, सी। बी और सी या एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो हो गया अल्फा। फिर वाई और जेड के बीच का एंगल हो गया बीटा, बीटा। और जेड और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है ना। जहां जहां ए बी सी क्या है, अक्षीय लंबाइयां हैं, अक्षीय लंबाइयां हैं, लंबाइयां हैं। और अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या है भाई, अक्षीय कोण है या अक्षों के बीच में, अक्षों के बीच के कोण हैं, के कोण हैं, कोण हैं, ठीक, अक्षों के बीच के कोण हैं। ए और बी के बीच का कोण क्या है भाई, ए और बी के बीच का कोण गामा है। बी और सी के बीच का कोण क्या है, बी और सी के बीच का अल्फा है। और सी और ए के बीच का कोण बीटा हो गया हमारा, ठीक। तो ये थे इस एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, अर्थात ये क्या बताते हैं कि क्रिस्टल का प्रत्येक अक्ष पर कितनी दूरी तय की गई या कितनी लंबाई तय की गई। दूसरा, ए और बी और इन लंबाइयों के बीच कितना कोण अंतरित किया गया, यह क्या बताते हैं, पैरामीटर बताते हैं। पैरामीटर के हिसाब से हमारे कुल मिला के 14 प्रकार के एकक कोष्ठिकाएं होते हैं, जिन्हें हम ब्रेविस जालक या ब्रेविस एकक कोष्ठिका कहते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, तब तक इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैरामीटर के हिसाब से एकक कोष्ठिकाएं। तो पैरामीटर के हिसाब से कुल कितनी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, 7 होती हैं। और इन 7 एकक कोष्ठिकाओं की कुल मिलाकर
14 क्रिस्टलीय संरचना बनाए जाते हैं जिन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। पहला बात करते हैं ब्रेविस जालक में, तो सबसे पहली एकक कोशिका होती है क्यूबिक, घनीय। सबसे पहली कौन सी होती है? घनीय। और घनीय क्यूबिक, ठीक, क्यूबिक। अब बात किया जाए कोशिकाएं ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल, और दूसरे में दूसरा कॉलम बनाएंगे, ये हो गया मानक मानक पैरामीटर मीटर, और तीसरा है ब्रेविस जालक ठीक है। तो इसी के साथ हम पढ़ते चलेंगे क्रिस्टल किस कितने प्रकार के होंगे और इसके मानक के बारे में भी ध्यान देते चलेंगे, और इसके साथ अगला ब्रेविस जालक को देखते चलेंगे। तो बात करते हैं घनीय, तो घनीय के मानक क्या होते हैं? कोशिकीय मानक पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी सी घनीय में क्या होंगे? बराबर होंगे। ए बी और सी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, अर्थात अल्फा और बीटा और गामा जो होगा इन तीनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा, और यह इक्वल होगा किसे? 90 अंश के, ठीक। ब्रेविस जालक की बात की जाए तो घनीय क्रिस्टल के तीन प्रकार के ब्रेविस जालक बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? तीन प्रकार के। पहला रहेगा सरल सरल या आद्य आद्य, ठीक। दूसरा काय केंद्रित केंद्रित, और तीसरा फलक केंद्रित, ठीक। दूसरे क्रिस्टल संरचना की बात की जाए तो दूसरा है हमारा ट्राइगोनल। क्या है? ट्राइगोनल, द्विसमलंबाक्ष ट्राइगोनल, ठीक। द्विसमलंबाक्ष में क्या होगा? a = b = c, अर्थात दो भुजाएं तो बराबर होंगी, तीसरी नहीं होगी। इसके अलावा अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। इसके ब्रेविस जालक की बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा सरल, और दूसरा होता है कौन सा? काय केंद्रित, ठीक, काय केंद्रित। तीसरे प्रकार की क्रिस्टल संरचना की बात की जाए तो तीसरा कौन सा है? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या होता है? ए बी सी और तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, तीनों भिन्न होंगी, तो कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी सी दोनों तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और ये जो कोण होता है अल्फा बीटा और गामा, यह बराबर होंगे, और ये कितने होंगे? 90 डिग्री। इस प्रकार के क्रिस्टल संरचनाएं कुल चार होती हैं। जो चार हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उस चारों प्रकार की ये बनाता है। कौन कौन सा भाई? पहला है सरल, दूसरा है काय केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित, और चौथा हमारा कौन सा है? अंत्य केंद्रित, ठीक, अंत्य केंद्रित। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे तरह की क्रिस्टल संरचना की।
देखिए ये सीधे पूछ देगा, बताइए इनके पैरामीटर क्या होते हैं, या इसमें कितने तरह के ब्रेविस जालक बनते हैं, या पूछ देगा बड़े क्वेश्चन में कि 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं, तो इन सभी के प्रकारों को बताइए, तो बताना होगा आपको वहां पर। फिर बात करते हैं किसकी, मोनोक्लिनिक की, एकंताक्ष। अगला कौन सा है, एकंताक्ष, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष में क्या होता है, देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये ए बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अल्फा बराबर गामा तो होगा बराबर 90 डिग्री, लेकिन बीटा जो होगा वह 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बीटा एंगल जो होता है इसमें क्या होता है, भिन्न होता है। इस प्रकार के दो ब्रेविस जालक होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं हमारे, ठीक। कौन कौन से भाई, एक होता है सरल, सरल, और एक होता है अंत्य, अंत्य इंड सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, ठीक। एकंताक्ष, अब एकंताक्ष के बाद पांचवा प्रकार क्या है हमारा, पांचवा प्रकार है त्रिनताक्ष। कौन सा है, त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष है जिसे कहते हैं ट्राइक्लिनिक, क्या कहते हैं, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को क्या कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, क्या है, यह सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल होता है। अनसिमेट्रिकल होने के कारण क्या होगा, सबसे ज्यादा असममित होने के कारण क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। और अगर बात किया जाए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा भी इसमें बराबर नहीं होते, तो कुछ भी तो इसमें बराबर नहीं है, कोई दो पैरामीटर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा असममित, असममित क्रिस्टल कहते हैं। यह एक ही प्रकार का बनता है, ठीक है ना। अब इतने को नोट करिए, फिर बचे हुए दो को आगे बताते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका षटकोणीय, षटकोणीय हेक्सागोनल, षटकोणीय हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल की बात की जाए तो हेक्सागोनल क्या होते हैं, ए बराबर बी तो आपका होगा लेकिन सी इसके बराबर नहीं होगा। इन पैरामीटर में क्या होता है, ए बी बराबर होंगे, सी बराबर नहीं होगा, और अल्फा बीटा बराबर होंगे, कितने होंगे भाई 90 डिग्री, और गामा नहीं होगा, गामा बराबर क्या होगा 120 डिग्री होगा। गामा कितने का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये कई प्रकार का यह भी होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो लास्ट है आपका, लास्ट वाला है त्रिसमंताक्ष, क्या है, त्रिसमलंबाक्ष, त्रिसमलंबाक्ष, इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए बी सी बराबर होंगे तथा अल्फा बीटा और गामा के, सॉरी अल्फा बराबर होगा बीटा के और गामा के बराबर नहीं होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर क्यूबिक के आपके तीन हो गए। क्यूबिक के बाद ट्राई, ट्राइगोनल की बात किया जाए तो उसके हो गए आपके कितने, कुल मिला के दो। फिर उसके बाद विषम लंबाक्ष के हो गए चार, उसके नीचे दो, कितने हो गए 11, और तीन के एक एक बनेंगे, अर्थात कुल मिला के 14 ब्रेविस जालक बनेंगे। यही है ब्रेविस जालक, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।